जा झूले जा, जा झूले जा। मिलॉर्ड, जूते मारे जाएं। स्मगलिंग हुई नहीं, अयान मुजरिम नहीं, निजामे अदल ना समझने पर अवाम को जूते मारे जाएं। खोसा को सितारा इम्तियाज देने की सिफारिश कीजिए। अयान अली एयरपोर्ट पर मस्जिद बनवाना चाहती थी, कौम समझ नहीं पाई। लिट्रॉल कीजिए, जूते से मुराद लित्तर है। हाँ, हमें लित्तर मारे जाएं, 18 नंबर का ठीक रहेगा। दो से काम नहीं बनेगा, कम से कम पंजा लगाया जाए। मुझे उम्मीद है कि रमजान में जिस्मानी निकाहत के सबब चौथे जूते पर हमारी चीखें जरूर निकल आएंगी। लेकिन आप कानून के तकाजे पूरे होने दें और बिल्कुल रहम ना करें, उल्टा लटा कर जूते मारे जाएं। थानों को हुक्म दिया जाए कि वो अपने अपने इलाके के हर साहिब शऊर पाकिस्तानी को थाने तलब करे और इस इस्लाही प्रोग्राम पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अगर पुलिस की नफरी कम पड़ जाए तो सेहतमंद वकला की खिदमात हासिल की जाएं। जनाब अली, मेरी अदालत के रूबरू दरखास्त है कि आप इस मुहिम की खुद रहनुमाई फरमाएं, मुझसे शुरू कर लें। मुझे भी बाशऊर होने का खुमार चढ़ा रहता है। आप अपने मुबारक हाथों से 7 रातों से तेल में भुगोया हुआ जूता पकड़ें और पूरे जोर से शुरू हो जाएं। मी लॉर्ड, मैं ओंधे मुंह लेट चुका हूं। बिस्मिल्लाह। आप फरमा रहे हैं कि किस जुर्म की सजा दी जाए? मेरे आका, बाशऊर पाकिस्तानियों का जुर्म बड़ा ही संगीन है। आली जनाब, हमने इस मुल्क के निजामे अदालत को समझने में कसदन गलती की है। हमने समझना शुरू कर दिया था कि अगर एक खातून से 5 लाख डॉलर पकड़े जाएं और ये साबित हो जाए कि वो ये गैर मुल्की करेंसी बाहर ले जा रही थी और ये भी साबित हो जाए कि इसके पास दुबई का टिकट था और वो एयरपोर्ट की हदूद से गिरफ्तार भी हो जाए, तो ऐसी कौमी मुजरमा को कम से कम 16 साल कैद हो जाती है। हम समझ रहे थे कि अयान अली को ही नहीं, इसके सरपरस्तों को भी इबरतनाक सजा मिलेगी। मुअज्जज अदालत इंसाफ करेगी और डॉलर्स की बरामदगी को ठोस सबूत के तौर पर कबूल करेगी। लेकिन हमने अदालत के बारे में गलत अंदाजे लगाए और इंसाफ की राह में ज़हनो कल्ब को गुमराह किया। हमने गलत सोचा था, हम ये भूल गए थे कि मामला फहम अदालतें फैसले सादर फरमाते वक्त जुर्म से ज्यादा मुजरिम की हैसियत को सामने रखती है। कानून कभी भी अंधा नहीं होता। अगर किसी सकीना बीबी से 11,000 डॉलर्स भी बरामद हो जाते तो यकीनन इसको सजा सुनाई जा चुकी होती, बल्कि इसके पूरे खानदान को इबरत की अलामत बना दिया जाता। कानून खुल खुलाकर सामने आता। हमें इल्म ही नहीं था कि हाई प्रोफाइल स्मगलर्स मुजरिम नहीं, मेहमान होते हैं और इनके फैसले मौशी, समाजी और सियासी नजाकतों को सामने रख कर किए जाते। हम के इस मुल्क के पैदाइशी शहरी हैं, इस सिस्टम को अब तक क्यों नहीं समझ सके? इस गफलत मुजरिमाना पर हमें जूते मारे जाएं। आपने ठीक फरमाया कि कस्टम्स हुकाम साबित नहीं कर सके कि अयान अली वाकई ये डॉलर्स स्मगल करना चाहती थी। नहीं नहीं, अयान अली ने एयरपोर्ट पर मस्जिद तामीर करवानी थी। वो नेक दिल बीबी के शोबिज जिसका बिजनेस और डॉलर जिसका ईमान है, वो दुबई नहीं जा रही थी, इसका भाई दुबई जा रहा था।
इसे वो डॉलर देना चाहती थी ताकि वो वहां से मस्जिद का नक्शा बनवा कर ले आए। हम समझ नहीं सके, हम तो ये भी नहीं समझ सके कि आखिर इसने भाई को ये डॉलर देने के लिए एयरपोर्ट का ही इंतखाब क्यों किया। हमारी ना समझी, कम अकली और अदालत के बारे में खुशगमानियों पर मबनी राय की हमें सजा दी जाए। हमें तो यह भी अदालत से पता चला कि स्मगलिंग की कोशिश करना कोई जुर्म नहीं है। इस लिहाज से किसी हवाजादी के साथ दस्तराजी की कोशिश करना भी कोई जुर्म नहीं है, कत्ल की कोशिश भी कोई जुर्म नहीं है। वो जहाज पर सवार हो जाती तो निकल जाती, सवार होने से पहले पकड़ी गई तो जुर्म हुआ ही नहीं, फिर सजा कैसी। हम ये सब कुछ क्यों नहीं समझ सके, हमारा यही जुर्म है। आली जा लित्तर उठाइए और इस खुश अकीदा कौम की इस्लाह कीजिए। रोजे और नमाजें इस कौम को शायद मुत्तकी ना बना सकें, आप ही इसको नेक बना दें। लित्रौल का हुक्म हो मिलॉर्ड। सरदार लतीफ खोसा को सितारा इम्तियाज देने की सिफारिश की जाए कि उन्होंने अहम कानूनी नुकात को सामने लाकर एक इफ्फत माब की पाकीजगी साबित कर दी है। खोसा रात भर फतह के नशे में डूबे रहे। शाबाश लेने के लिए वो दुबई भी जाएंगे और वो जीत भी गए। मारा जाने वाला गवाह मर गया और मर कर भी हार गया। पूरी कौम हार गई, पुलिस जीत गई, वकील जीत गए, जज जीत गए, सियासत जीत गई, जमहूरियत जीत गई, ये निजाम जीत गया। कौम को जूते मारे जाएं ताकि इंसाफ के अनवार की फुहार चार सू फैले। ऐवान हाय अदल तबस्सुम फरमाएं।